जो छात्र प्रशासनिक सेवा के अफसर हैं उनकी क्या समस्याएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने पहले तो चर्चा की और उस चर्चा के उपरांत हम अपनी मांगों को कैसे मनवाएंगे उसके बारे में बात की। हम लोगों ने अपनी एक चरणबद्ध रणनीति बनाई है जिसे कि हम अगले कुछ दिनों के अंदर पुनः एक बार अंतिम रूप से माननीय मुख्यमंत्री और माननीय मुख्य सचिव महोदय को देंगे। हम नहीं चाहते हैं कि हमें किसी भी प्रकार के आंदोलन करने की आवश्यकता पड़े। हम हमेशा सरकार की मदद के साथ हैं, जनता की सहायता करने को तैयार हैं, सरकार के हर प्रोग्राम का स्कीम का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए हम लोग भरसक प्रयास करते हैं। परंतु कभी कभी जब हमें समस्या होती है तो हम सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि वो सहानुभूतिपूर्वक हमारी समस्याओं पर विचार करें। ऐसा नहीं होने पर आज हम इस कदम को उठाने के लिए बाध्य हो रहे हैं। तो मेरा पुनः आपके माध्यम से सभी से अनुरोध होगा कि हमारी जो जायज़ मांगे हैं उन्हें हमें समय पर दे दी जाए। क्या है, पोस्टिंग नहीं हो रही है, लोगों को वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा जा रहा है, समय पर प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है, महिला कर्मियों को चाइल्ड केयर लीव नहीं दिया जा रहा है, इस प्रकार की समस्याएं हैं जो कि सरकार के माध्यम से बहुत आसानी तरीके से पूरी की जा सकती है।